हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट्स मीनिंग, इट्स फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डेट, ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो। सो टूडे वी विल डिस्कस रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस का या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म, यस और नो? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी वी रजिस्टर्ड अवर पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड फॉर्म को एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म के कंपेरिजन में वेरियस बेनिफिट्स ऑब्टेन होते हैं। सो उन बेनिफिट्स को ऑब्टेन करने के लिए वी रजिस्टर्ड अवर पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर क्वेश्चन आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर एक फर्म में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक पार्टनरशिप फर्म में अगर अपना रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं कराया, तो उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट फेस करने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या क्या अनरजिस्टर्ड फर्म को रिजल्ट फेस करने पड़ते हैं, और अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो ये नेगेटिव पॉइंट ही पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी उसकी बेनिफिट्स में काउंट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, इट मीन्स उस फर्म ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो वो फर्म क्या क्या रिजल्ट फेस करती है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या क्या रिजल्ट फेस करती है। फर्स्ट रिजल्ट यानी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज है, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का अगर एक पार्टनर है, वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। इट मीन्स अगर फर्म ने, ठीक है, मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या हूँ, एक पार्टनर हूँ, और उस फर्म ने मेरे को प्रॉपर प्रॉफिट का शेयर प्रोवाइड ही नहीं किया, अगर वो फर्म रजिस्टर्ड है तो मैं उस फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा वो पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। यानी एक पार्टनर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। इट मीन्स अगर प्रॉपर शेयर नहीं दिया बेटा पार्टनर को, तो क्या करेगा, केस फाइल तो करेगा, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म के लिए तो आप केस फाइल कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट में आप केस फाइल भी नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ा रिजल्ट ये फेस करोगे। दूसरा, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप बिजनेस में तीन पार्टनर है, दो पार्टनर ने मिलकर किसी तीसरे पार्टनर को प्रॉफिट का प्रॉपर शेयर नहीं दिया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप बीडिया में जो डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसको शेयर नहीं दिया, ठीक है, तो वो पार्टनर उन रिमेनिंग पार्टनर के अगेंस्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकता इफ अवर फर्म इज अनरजिस्टर्ड। अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है बच्चों, तो उस केस में एक वन पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स या अनदर पार्टनर्स पर भी केस फाइल नहीं कर सकता। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पार्टनर्स के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि भाई वन पार्टनर अदर पार्टनर्स पे भी केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा केस फाइल करने की नौबत कब आती है, जब मुझे प्रॉपर शेयर नहीं मिलता, तो उस केस में क्या करूंगी, कोर्ट का सारा लेती हूँ, कोर्ट में केस फाइल करूंगी। तो कहते हैं अनरजिस्टर्ड फर्म अगर आपकी है, तो वन पार्टनर किसी अनदर पार्टनर या उसी फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन पर केस फाइल भी नहीं कर सकता। थर्ड, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है, वो भी केस फाइल नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में।
इट मीन्स अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने किसी भी थर्ड पार्टी को कुछ फाइनेंस अवेलेबल करा रखा है, समझ आ गया। और भाई उस थर्ड पार्टी ने कहा था कि मैं 6 मंथ के बाद आपका पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी ने मेरा फाइनेंस एक्यूरेट टाइम पर रिटर्न नहीं किया, ठीक है, या फिर मेरी फर्म क्या करती है, किसी भी पर्सन को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, किसी फर्म को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, किसी पर्सन को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है क्रेडिट पर। उस बंदे ने कहा था 6 मंथ के बाद मैं आपका मनी क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। आफ्टर 6 मंथ उसने मनी रिटर्न नहीं किया। अगर मेरी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो बेटा मेरी फर्म उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरी फर्म का खुद का ही एग्जिस्टेंस नहीं है। ये थर्ड पॉइंट भी मेरा यही कह रहा है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। कि थर्ड पार्टी ने अगर आपकी फर्म के साथ कोई फ्रॉड कर दिया तो आपकी फर्म उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकती है। फोर, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर, ठीक है, यानी अनरजिस्टर्ड फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट में भी केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ब्रीफली समझाती हूँ, अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर्स फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकते, फर्म पार्टनर्स पे नहीं कर सकते, समझ आ गया। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे नहीं कर सकता और ना ही हमारी फर्म किसी थर्ड पार्टी पे केस फाइल कर सकती है। इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और जनरली स्टूडेंट्स 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रजिस्टर्ड फर्म को अनरजिस्टर्ड फर्म के कंपैरिजन में क्या क्या बेनिफिट्स ऑब्टेन होते हैं, एक रजिस्टर्ड फर्म क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑब्टेन करती है एज कंपैरिजन ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। तो उस केस में आपको ये चारों बेनिफिट काउंट कराने। कैसे काउंट कराओगे, इफ अवर फर्म इज रजिस्टर्ड देन वन पार्टनर इज ऑल्सो डू द क्लेम टू एनी अदर पार्टनर, ठीक है, वन पार्टनर इज ऑल्सो डू द क्लेम टू अवर फर्म या रजिस्टर्ड फर्म के, फर्म पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है, फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकती है। सो ये बेनिफिट एक रजिस्टर्ड फर्म को क्या हो जाते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं, ओके। मैंडेटरी नहीं था फिर भी कराते हैं क्योंकि ये बेनिफिट मिल जाते हैं, नहीं कराओगे तो ये लॉस आपको बियर करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट आप करने हैं तो पॉजिटिव सेंस में लिख दो, अगर रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो इन्हीं 4 पॉइंट को नेगेटिव सेंस में लिखना है, ओके। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया भाई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हम कराते हैं। व्हेन यू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म देन व्हाट स्टेप्स यू शुड फॉलो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको क्या करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है। अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड फीस यू आल्सो डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, ठीक है। नेम ऑफ द फर्म की इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को रिटर्न में देनी होती है। एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस यानी आपकी फर्म का हेड ऑफिस कहाँ स्टैब्लिश है, उस हेड ऑफिस का रिटर्न प्रूफ देना होता है। रिटर्न प्रूफ का मतलब एड्रेस का रिटर्न प्रूफ आपको देना होता है। एड्रेस ऑफ द ब्रांच, अगर हमारी फर्म की बहुत सारी ब्रांच है तो हर ब्रांच के जो है, ब्रांच का जो ऑफिस है उसका एड्रेस का डिटेल हमें रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करना होता है। डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म यानी मेरी फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, किस किस डेट को वो एडमिट हुए थे, उनकी रिटर्न डिटेल मुझे रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करानी होती है। और नेम ऑफ द परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स यानी जितने भी पार्टनर्स हैं मेरी फर्म में उन सबका नेम और परमानेंट एड्रेस, नॉट ए जो आपके टेम्परेरी एड्रेस होते हैं वो नहीं, परमानेंट, ठीक है। अगर कोई रेंट पे बंदा रह रहा है तो रेंट वाला एड्रेस नहीं, जहाँ उसका गांव का परमानेंट एड्रेस होता है, जहाँ उसका आधार कार्ड बना होता है जिस एड्रेस से, तो वो वाला एड्रेस की रिटर्न प्रूफ मुझे रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करना होगा।
ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, यानी हमारी फर्म कितने ड्यूरेशन के लिए स्टैब्लिश की गई है, 5 साल 10 साल जो भी है, किस टाइप की पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एट विल है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, यानी विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें स्टैब्लिश कर रखा है बेटा, उसकी डिटेल भी हमें उसके पास डिपॉजिट करनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस के साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की रिटन कॉपी मुझे रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करनी होगी। रजिस्ट्रार इन एप्लीकेशन फॉर्म और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, और ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद इफ रजिस्ट्रार आर सेटिस्फाइड विद ऑल द इंफॉर्मेशन देन रजिस्ट्रार, ठीक है, आपकी फर्म का नेम अपने रजिस्टर में क्या कर देता है, मेंशन कर देता है, और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देता है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही आपकी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मानी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एप्लीकेशन की यानी रजिस्ट्रेशन की फीस भी डिपॉजिट करानी होती है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, रजिस्ट्रार इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करता है, इनकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या कर देता है, इशू कर देता है, ठीक है। और जैसे रजिस्ट्रेशन आपको इशू सर्टिफिकेट इशू हो जाती है, वैसे ही आपकी फर्म का क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी फर्म का एक लीगल एग्जिस्टेंस बन जाता है।